अर्जुन भाई आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आपके आते एनर्जी। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, आधी ऑडियंस थी, अभी सडनली हाउसफुल हो गया है। जोरदार तालियां इनकी एनर्जी के लिए। अच्छा सर एक बात है, वैसे आप तो रियल लाइफ में इनके चाचू हैं, फिल्म में भी आप चाचू बने हुए हैं, मुबारक तो आपको बनती है। वही काम करना है जो रियल लाइफ में कर रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। आ रहा है ठीक है। अनिल सर जब किसी के साथ को एक्टर के साथ काम करते हैं तो उन्हें खा जाते निगल जाते डकार भी चार्ज होते हैं। तो अनिल सर जब आपने ये फिल्म करी तो बोनी सर ने बुलाया था आपको कि अपना ही बच्चा है थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसी कोई बात हुई? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बिकॉज उनको पता था कि मैं ख्याल रखूंगा अपने भतीजे का, तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया मुझे। देखो नेफ्यू तो मैं इनका ही हूँ ना। हाँ वो तो है, भतीजा तो इनका ही हो। तो सर इन्होंने, मैं एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टेंशन में, एक्चुअली मैं टेंशन में था, सच बात यह है। ऐसे क्यों? देखिए आप इसको जानते नहीं, बड़ा छुपा रुस्तम है। अच्छा बहुत ज़बरदस्त छुपा रुस्तम है ये जो है। इन्होंने क्या है, पूरे जो डायरेक्टर है, असिस्टेंट्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनका पूरा एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह सबको घेर लिया था, समझे ना जी। और एक एक सीन इतना प्रिपेयर करके आए थे, एक एक सीन, एक एक डायलॉग। तो मुझे तो स्ट्रेस हो गया था जब मैं पहली बार सेट पे गया। मैंने बोला यार ये तो आसान होगा, मैंने सबके साथ काम किया, सब यंगस्टर्स के साथ, बट ही हैज रियली, क्या बात है। एंड मैं दिल से कह रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ, चलो ये कॉमेडी शो कर रहा है, मैं कुछ भी बोल सकता था, बट जेन्युइनली दिस इज अर्जुन्स, यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। जैसे हमारे घरों में ताऊ चाचू होते हैं, आप तो खैर फिल्म स्टार लोग हैं, जैसे आपके चाचू भी फिल्म स्टार हैं जी, आपने भी फिल्मों में कदम रखा, मेरे चाचू कारखाने में थे तो हम तो उनके साथ ज़्यादा खुल भी नहीं पाते थे, मतलब उनके सामने रोमांस करना दूर की बात, रोमांस भी क्या होता है, रोमांस मतलब कुछ ही नहीं था। जैसे अपने सगे चाचा के सामने हाँ। ऐसे रोमांस करना हो हाँ। अनकंफर्टेबल फील होता है कभी? उनसे थोड़ी ना करना रोमांस की तो मेरे पास इलियाना डिक्रूज थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की, आथिया शेट्टी थी, बहुत ही खूबसूरत। ये मतलब क्या होता है? नहीं शूटिंग में थी ना, शूटिंग। अच्छा हाँ, ठीक है। और अनिल चाचू का आशीर्वाद था, आप तो देख चुके हो कि कॉलेज के टाइम से कैसे थे, तो वो तो देख के खुशी हो रहे होंगे कि मैं कैसे अपने टांग हाथ पैर सब यूज कर रहा हूँ कैसे। तो फिल्म में जब वो क्लैरिटी थी हमें स्क्रिप्ट पे कि हम ऐसी फिल्म कर रहे, तो ऑब्वियसली इसीलिए और आसान हो गया टू वर्क एज अ चाचा भतीजा इन अ फिल्म, जहाँ पे वो कहीं भी फील नहीं होना चाहिए यार ये कैसे कर पाऊंगा मैं इनके सामने। वो हर पल हमने वो दायरे संभाल के रखे कि जो लोग आए अपने पूरे फैमिली के साथ सब पसंद करें, जैसे आपका शो है, जैसे ये है। तो बच्चा मैं एक्टिंग करनी पड़ती है ना, अभी थोड़ी एक्टिंग करना है मुझे। क्या बात है किसने ड्रेस डिजाइन की है? बड़ी खूबसूरत, एक्चुअली बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। रियली? या Really? मुझे बताओ किसने की है, मैंने बनवानी है। नहीं मतलब मेरे I mean, sorry. आपका ये सूट होगा? हाँ एक्चुअली मैंने सॉरी फ्लो फ्लो में कह दिया, आई एम सो सॉरी। इलियाना के लिए जोरदार तालियां, महफिल में रौनक आ गई है, आइए प्लीज। नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर उन्होंने अनिल कपूर के लिए की कि अर्जुन कपूर के लिए की? और इस शो में आप नवजोत सिद्धू के लिए आएंगे कपिल कपूर? मैं भी कपूर। दो कपूर बैठे हो, तीसरा अपने आप कपूर हो जाता है, हो जाना चाहिए कपूर में कपूर। यार फिल्म में एक कपूर तो होता ही है एक्चुअली। हाँ दो फिल्में कर लो तो एक आध तो कपूर निकल ही आता है, निकल ही आता। अर्जुन इस फिल्म में दो दो शादियां कर रहे हैं, डबल रोल है, मतलब रियल लाइफ में अगर आप शादी करें तो किसकी पसंद से करेंगे, चाचा की, पापा की, या अपनी खुद की? प्यार बहुत जरूरी होता है, और प्यार सिर्फ आपको पता होता है कि आप किससे करते हो, आप निभा पाओगे कि नहीं। रिलेशनशिप्स एक तरफ होते हैं लेकिन शादी बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, उसे निभाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सिर्फ आप ही को पता होता है बतौर इंसान कि आप निभाने के लिए तैयार हो कि नहीं। ये नहीं है कि अरेंज मैरिज इज़ नॉट गुड, समटाइम्स यू फील कि चलो यार माई फैमिली वुड नो बेटर देन यू डू, दैट आई रिस्पेक्ट एंड आई एम वेरी फॉर इट इफ़ पीपल आर रेडी फॉर दैट, पर मेरे लिए पर्सनली प्यार का होना ज़रूरी है, और प्यार का अंदाज़ा तो सिर्फ खुद को हो सकता है, किसी और को नहीं। अलग अलग मंगाई के एक ही डिब्बा ऑर्डर किया दोनों ने? नहीं मुझे लगता है एक ही डब्बा है, जिस तरह ये केमिस्ट्री है तो मुझे तो शक हो रहा है कि लियाना हीरोइन अर्जुन की है कि अनिल सर की है। मैं भी अथिया को बहुत मिस कर रहा हूँ। अनिल सर एक बात बताइए। हाँ जी। आपका नया हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है सर, बहुत ही हैंडसम सर, इतना अच्छा हेयर स्टाइल सर, कुछ
मतलब स्पेशली क्या है ना, आजकल एक नई फिल्म मैं करने वाला हूँ फने खान, उसके लिए मैं थोड़े बाल लंबे कर रहा हूँ। और आजकल क्या है कि जो बाल लंबे करते हैं, थोड़े चौड़े हो जाते हैं, बाल बाल करते हैं, उसको बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है जी। तो मैं जैसे कि फैशन है ना आजकल जी जी कि ये सब चीज़ें करो तो बोलते हैं ये बहुत ज़बरदस्त एक्ट कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू से आई थिंक आदमी बनता है अपनी जर्नी से, अपने स्ट्रगल से, अपने अपनी जो एक उनकी खोज होती है। आई थिंक अनिल चाचू इज एन इंस्पिरेशन फॉर द वे ही स्टार्टेड, जिस तरह उन्होंने शुरुआत की, जिस तरह वो आगे बढ़े, आज तक डटे हुए हैं और आज भी जिंदगी को वो फुल ऑन फेस करते हैं। तो आई थिंक इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, जिस तरह इन्होंने इतने सालों से ये पॉजिटिविटी बना के रखी है। बिल्कुल सर। नहीं पता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 40-45 साल में ना एज स्टार्ट शोइंग। ही इज प्रॉब्ली द ओनली पर्सन दैट आई हैव सीन, मैंने और कोई नहीं देखा जिस फिल्म इंडस्ट्री में जिसने एज को कॉन्कर किया है। रियली 40 साल में ये नहीं पता, ही लुक्स 40-35, दैट इज अमेजिंग। ये आपकी ज्यादा बोल दिया सर, जो आपकी नहीं जो आपकी पहली फिल्म थी मैंने वो देखी थी, जिसमें आपने वो पटियालवी का नाम, मैं पटियाला से ही हूँ ना, बहुत सात दिन प्रेम प्रताप पटियाले वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली जब आप अंदर डांस करते हो आप मुझे वही पटियालवी लगे। रियली आई मीन इट, और दैट इज समथिंग अमेजिंग, मैंने किसी और में नहीं देखा। देखना भी मत।